हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना दाल टिक्की रेसिपी। बहुत ही इजी है इसे बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप चना दाल को ओवरनाइट के लिए सोख करके रखा था और इसे पानी से छान करके ले लिया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी जार में। अब इसमें ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने रफली कट करके लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 3 ग्रीन चिल्ली को रफली तोड़ करके डाल दिया है। अब इसे दरदरा पीस लेंगे। अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, बट पीसते टाइम मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला था। और ये देखिए, मैंने इसे हल्का सा मोटा ही पीस करके रेडी कर लिया है। अब इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे भुना जीरा पाउडर ऐड किया मैंने 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो रेड चिल्ली पाउडर आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ग्रीन चिल्ली का भी इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। करी लिप्स हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास अभी करी लिप्स नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है हमें। तो ये देखिए, मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो हम इसे स्लो फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने तेल को अच्छा गर्म कर लिया है। अब मिक्सर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे इस तरह से, और हाथों में लेके ही टिक्की का शेप दे देंगे। फ्लेम को भी मैंने मीडियम रखा है और इस तरह से ड्रॉप करते जाएंगे ऑयल में सारे टिक्की को। तो एक बैच में मैंने इतना सारा टिक्की डाल दिया था। अब इसमें से जो हो चुका है उसे हम इस तरह से फ्लिप कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। पैन में भी काफ़ी स्पेस है तो इसमें 1-2 टिक्की और डाल देते हैं इस तरह से। अब इसे थोड़ा होने देंगे, फिर फ्लिप कर देंगे। तो अब इसे हम इस तरह से पलट देते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एज ए स्नैक्स इसे कभी भी आप बना करके सर्व कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए, मैंने सारे टिक्की को फ्लिप कर दिया है। इसमें जो हो चुका है, पहले मैंने डाला था उसे निकाल लेती हूँ, और सेम प्रोसेस से सारे टिक्की को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और इसे मैंने गर्मा गर्म सर्व किया है हरी चटनी और टमाटो केचप के साथ। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।